जय माता दी ओम साई राम। कोरोना के पार्श्वभूमि पर अनेक धार्मिक आयोजनों पर प्रशासन द्वारा बीते दो वर्षों में उपाय योजना के तहत पाबंदियां लगाई गई थी। वहीं चंद्रपुर की दैवत एवं विश्व की दैवत आदि शक्ति माता महाकाली की यात्रा पर भी रोक लगाई गई थी। और वहीं अब माता रानी के भक्तों के लिए खुशखबरी यह है कि इस वर्ष यात्रा पर से शासन ने प्रतिबंध हटा लिया है और इस वर्ष यात्रा का आयोजन किया जाएगा। गौरतलब है आदिशक्ति जागृत माता महाकाली की पूजा अर्चना करने के लिए बड़ी संख्या में भक्तगण माँ के दर पर पहुँचते हैं और माँ के दर को एक मन्नत की देवी के रूप में पूजा जाता है। भक्तों में राज्य के अन्य जिलों के साथ दूसरे अन्य राज्यों के भक्तों का समावेश है और हर तरफ जय माता दी के नाम की गूंज सुनाई देती है। और भक्तों में मुख्यतः पश्चिम महाराष्ट्र मराठवाड़ा के साथ अन्य राज्यों से जैसे तेलंगाना आंध्र प्रदेश आदि का समावेश है। वहीं इस वर्ष की यात्रा के संबंध में चंद्रपुर जिले के पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार ने जानकारी दी। बघा, दोन वर्ष कोरोनामुळे खरंतर विदर्भातील महाकालीची यात्रा म्हणजे सगळ्यात प्रसिद्ध यात्रा। विदर्भ आणि मराठवाड्यातील अनेक भाविक या यात्रेला येत असतात। दोन वर्ष कोरोनामुळे या यात्रेला परवानगी देता आली नाही आणि यात्रा भरू शकली नाही, परंतु श्रद्धा मात्र मोठ्या प्रमाणात महाकाली मातीशी जोडलेली आहे। अशा स्थितीमध्ये जी यात्रा आता होणार आहे त्या यात्रेला शासन परवानगी देईल आणि त्यामध्ये काही अटी जरी असल्या तरी पूर्ण क्षमतेनं म्हणण्यापेक्षा आपलं स्वतःचं संरक्षण स्वतःची सुरक्षा करणं आपलं कामच आहे। आणि शासन का असं म्हणणार नाही की तुम्ही आपला कसंही वागा कशीही करा, पण काही नियम आणि अटी आहेत, परंतु यावेळेस महाकालीची यात्रा भरण्यामध्ये कुठेही अडचण येणार नाही। त्याला रीतसर परवानगी देऊन ती यात्रा यावेळेस भरेल आणि अनेक श्रद्धा भाविकांच्या श्रद्धा आहेत त्यांना जे दर्शन आहे ते व्यवस्थितपणे नियमाचं पालन करून त्यांना ते दर्शनही घेता येईल। आणि मला वाटतं की सर्व सुविधा, यात्रा म्हटली की सुविधा आल्या सोयी आल्या। तिकडे पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न आहे, यावेळेस टेम्परेचर मोठ्या प्रमाणात असणार आहे, उन्हं जवळपास 2 डिग्री सेल्सिअसचा फरक पडतो आहे असं पाकीट केलं गेलं आहे। आणि अशा परिस्थितीमध्ये प्रत्येकाने आपली काळजी घेणं हेही महत्त्वाचंच आहे आणि त्यामुळे भाविक भक्तांनीसुद्धा स्वतःची सुरक्षा घेऊन दर्शन करावं। यात्रा यावेळेस भरली जाईल, यात्रेला परवानगी मिळेल यामध्ये कुठेही शंका नाही। आदिशक्ती माता महाकाली की यात्रा इस वर्ष होने की जानकारी मिलने पर भक्तों के साथ मंदिर परिसर में पूजा सामग्री का व्यवसाय करने वालों में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। जय माता दी ओम साई राम। सी टीवी के लिए हमारे विशेष प्रतिनिधि वैभव विहारकर के साथ पीयूष कुमार की रिपोर्ट।